महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आज से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। प्रदेश में भी पोषण पखवाड़े के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में चंबा में एक जागरूकता रैली निकाली गई। सहायक आयुक्त मनीष चौधरी ने रैली के शुभारंभ पर कहा कि इस अभियान के दौरान लोगों को मोटे अनाज के प्रयोग सहित बच्चों में कुपोषण उन्मूलन को लेकर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भारत सरकार के सुजन्य से सोशल एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो पोषण पखवाड़े का आयोजन जो है 20 से 3 अप्रैल तक कर रहे हैं। इसमें जो मोटे अनाज को का प्रयोग जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसमें से जो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण पाया जाता है उसको दूर करने के लिए जो भी पग उठाए जाएंगे उसमें मोटे अनाज को प्रोत्साहित करके इस कुपोषण को दूर किया जाएगा। इधर कुल्लू में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। एसडीएम प्रशांत सरकैक ने गर्भवती महिलाओं को उपहार भेंट किए। ऑब्जेक्टिव इस पखवाड़े का ये है कि जो जो इन्फेंट हेल्थ है, इन्फेंट न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाए। हमारे लोकल सोसाइटी में जितने भी अच्छे भोजन हैं, जो हेल्थी भोजन है, उनको प्रमोट किया जाए और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इस बार जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने का एक उद्देश्य रखा है। और मोटे अनाज जैसे हमारे यहाँ कोदरा होता है या फिर ज्वार है, इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव रखा है क्योंकि इन मोटे अनाजों में बहुत पोषण पाया गया है। इसके साथ साथ ही इसमें कॉम्पिटिशन भी रखा गया है कि जो भी जिन मोटे अनाजों की कोई रेसिपीज़ नहीं लेकर आएगा तो उन्हें स्टेट लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा आग्रह है सभी महिलाओं से पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि वे मोटे अनाज की अलग अलग रेसिपीज़ अपने घर में बनाएं और उसका एक रील बनाएं या फेसबुक पेज पर उसका रेसिपी शेयर करें। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी महिला व बाल विकास विभाग द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे।